हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे के आयुर्वेद को, और आज हम आप लोगों के लिए आए हैं ऐसे प्रोडक्ट जिससे आप हर प्रकार के सूजन को दूर कर सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आयत प्लस सिरप के फायदे के बारे में बताएंगे। ये सिरप है, इसके फायदे के बारे में बताएं दोस्तों आयत प्लस के। तो इसे किन किन चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल पी के आयुर्वेद को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दें। तो जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे थे इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसके फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं, इसे क्या क्या चीज़ में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी सूजन हो, कहीं भी सूजन हो, तो इसे यूज कर सकते हैं। सूजन के लिए ये बेहतरीन है दोस्तों। तो इसे यूज करने का तरीका बता रहे हैं इसका, इसके और इसका कॉम्बिनेशन के बात करें दोस्तों, इसे क्या क्या चीज़ मिलाकर इसे बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं ये आपका ये इतना जड़ी बूटी मिलाकर इसे बनाया गया है दोस्तों। इसमें बहुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिलाकर बनाया गया है। आपका नोसामा कंपनी का है दोस्तों, नोसामा कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इसमें बहुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिलाकर बनाया गया है। ये आपका नोसामा का है। इसमें ये नोसामा जैसे हमदर्द कंपनी, हमदर्द मेडिकल में ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसके यूज के बारे में बता रहे हैं। तो इसे यूज करना, इसे कौन कौन सी परिस्थितियों में लेना है। तो जैसे आपका हो गया दोस्तों, जैसे आयत प्लस, जैसे शरीर के किसी भी अंग का सूजन हो, शरीर के किसी भी अंग का सूजन हो तो इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया, दोस्तों जिगर, जिगर का भी सूजन में ये बहुत फायदेमंद है। जैसे जिगर का सूजन है तो इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया दोस्तों लीवर, लीवर का भी सूजन में इसे यूज कर सकते हैं। इसे लीवर का भी सूजन में बहुत अच्छा लाभदायक है, तो इसे लीवर का भी सूजन में यूज कर सकते हैं। जैसे अतो का सूजन हो गया दोस्तों, अतो का भी सूजन है तो इसे यूज कर सकते हैं। जैसे अतो का भी सूजन में इसे ले सकते हैं। तो इसे आपको बताते हैं दोस्तों, जैसे हाथ पैरों की भी सूजन है, जैसे हाथ और पैरों में भी आपका सूजन है, सूजन की उत्तम दवा है दोस्तों। इसे हाथ पैरों की सूजन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आपको बता दें दोस्तों, औरतों को पेड़ों की सूजन में भी ये लाभदायक है। औरतों को पेड़ों की भी सूजन में लाभदायक है दोस्तों। तो सूजन के लिए बहुत फायदेमंद, इसे ज़रूर यूज करें। जैसे आपका बता दें दोस्तों, जिगर, लीवर, अतो तथा शरीर की सूजन की उत्तम दवा है। औरतों को पेड़ों की सूजन में भी फायदेमंद है, तो इसे ज़रूर यूज करें, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो इसका MRP की बात करें दोस्तों, तो ये आपका MRP, आपका जैसे आपका MRP हो गया दोस्तों, इसका MRP है, इस देख रहे होंगे आपको, इसका MRP आपका 120 रुपया है दोस्तों। ये नोसामा कंपनी का यह हमदर्द मेडिकल में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आज था इसी के फायदे के बारे में बताने दोस्तों। तो हम बताते हैं तो इसे यूज कैसे करना है, इसको सेवन विधि के बारे में बताते हैं दोस्तों, सेवन कैसे करना है। तो बने रहे हमारे वीडियो लास्ट तक। तो इसे सेवन कैसे करना है को हम खोल के दिखा देते हैं दोस्तों। ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, या आपका इसे इसमें सिरप का फॉर्म में रहता है, आपका लिक्विड है इसमें, इसको आपको लेना है। तो इसे यूज कैसे करना है दोस्तों, तो इसे यूज के बारे में बताते हैं, इसको सेवन विधि कैसे करना है। तो सेवन करना है इसको दोस्तों, जैसे आपका हो गया 10 से 20 मिलीलीटर सुबह शाम, 10 से 20 मिलीलीटर सुबह शाम ले सकते हैं। सो दोस्तों 10 से 20 मिलीलीटर इसे सुबह शाम यूज कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इसे डॉक्टर की ही सलाह से लें दोस्तों, अपनी मर्जी से ना यूज करें, इसे डॉक्टर और वैद्य की ही सलाह से यूज करें दोस्तों। तो इसे यूज करने का तरीका तो हम बता दें दोस्तों, इसे आप 10 से 20 मिलीलीटर सुबह शाम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका शुगर फ्री है, शुगर वाला भी इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे शुगर फ्री आपका है, तो देख रहे हैं इसमें आपका लिखा हुआ है शुगर फ्री है, आपका शुगर फ्री आता है दोस्तों। जैसे शुगर के मरीजों भी बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हाँ, तो हम बात करें दोस्तों सूजन में इसे ज़रूर यूज करें दोस्तों। जैसे आपका शरीर के सभी अंगों की सूजन में लाभदायक है, ये जिगर, लिवर, अतो तथा हाथ पैरों की सूजन की उत्तम दवा है। अतो के पेड़ों की सूजन में भी ये फायदेमंद है। तो हमारा वीडियो लास्ट होता है दोस्तों, हमारा ख्याल है आज हमारा वीडियो आप लोगों के बहुत अच्छे लगे होंगे। तो इसे लाइक कर दें,
शेयर करते, कमेंट करते और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद हम लोग ये वीडियो अपलोड करते हैं, बड़ी मेहनत के बाद बनाते हैं। तो इसे ज़रूर लाइक कर दे दोस्तों, कमेंट कर दे दोस्तों और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद हम वीडियो बना पाते हैं। तो हमारा वीडियो लास्ट होता है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।